हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली से हम किस तरह से जो ईवे का ऑप्शन है उसको अनेबल करेंगे और सेल वाउचर की एंट्री डालते वक्त हमें ईबेल से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो डालनी है, और फाइनली हम जेसॉन फाइल जो कि ईवे पोर्टल पे अपलोड होगी जिसके थ्रू हम ईवे बिल जनरेट कर पाएंगे उसको किस तरह से जनरेट करेंगे, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने कंपनी ऑलरेडी बनाई हुई है और उसमें जीएसटी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया हुआ है, अब हमें इसमें ईवे बिल को ऑन करना है। अगर आप पहले से ही न्यू कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो वो ऑप्शन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, लेकिन हम फिर से इसको ये समझते हैं कि आपने कंपनी क्रिएट की हुई है और आप अपना ईवे बिल है जो उसको अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से स्टेट्यूटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो GST है वो अनेबल हो रखा है, आप इंटर करेंगे। जो सेकंड ऑप्शन है अल्ट्रेशन वाला उसको यस करेंगे, प्रेस एंटर। यहाँ से आपने देखा होगा कि कुछ डिटेल्स जो पहले डली हुई थी, लेकिन अभी इसमें नई ऑप्शन आ रही है। जब आप टैली का रिलीज 6.4 या उससे अबव का वर्जन जो है वो अपडेट करेंगे तब, तो यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है GSTR 1 की क्वार्टरली है या मंथली। उसके बाद में ये जो ऑप्शन है ईवे बिल एप्लीकेबल, ये बाय डिफ़ॉल्ट यस ही रहेगा, अगर नहीं है तो आप इसको कर लीजिए। जैसे आप यस करेंगे तो आपको यहाँ से एंट्री करनी है कब से ईवे बिल एप्लीकेबल है। तो वैसे तो 1 फरवरी से हुआ था, बट अगर आप फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से अलग से न्यू बुक्स आपने बनाई हैं अकाउंट्स ऑफ बुक्स, तो आप यहाँ से 1 अप्रैल भी डाल सकते हैं। ईवे बिल के जो थ्रेशोल्ड लिमिट है अभी आज की डेट में 50,000 है, ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है आगे आने वाले टाइम में, तो आप इसको चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली। अभी फिलहाल ये 50,000 रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे थ्रेशोल्ड जो लिमिट है वो इंक्लूड करती है इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स वैल्यू और टैक्सेबल गुड्स वैल्यू ओनली। तो ये इनवॉइस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो इनवॉइस की वैल्यू है वो 50,000 या उससे अबव होनी चाहिए। अगर उससे कम है, चाहे वो टैक्सेबल है या नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ईवे बिल आपको चाहिए, तो ये इनवॉइस वैल्यू रहेगा। इसके बाद में ईवे बिल एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, अगर आप जिस स्टेट में हैं, एक्चुअली एज ऑन डेट अभी सभी स्टेट्स में जो ईवे बिल है इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट के लिए, जैसे कि अगर आप गुजरात में हैं और आप गुजरात से गुजरात में ही मटेरियल की मूवमेंट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट। इस केस में अगर ईवे बिल एप्लीकेबल हो गया है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यस कर लेता हूँ, क्योंकि हम जो बुक्स बना रहे हैं वो हरियाणा की और हरियाणा में ये एप्लीकेबल है। बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो सेम ही रहेंगे, आप इसको सेव कर लीजिए एंड इसको इंटर करते हुए या फिर कंट्रोल ए प्रेस करके आप इसको सेव कर लीजिए। जैसे ही आप सेव कर लेंगे तो ईवे बिल का जो ऑप्शंस है वो क्रिएट हो चुका है और अनेबल हो चुका है। अभी फ्रेंड हमें करनी है सेल्स की एंट्री, यहाँ से हम वाउचर अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे और यहाँ से सेल की एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। बाकी सभी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ से हमें रेफरेंस में इनवॉइस नंबर डालना है, यहाँ से हमें कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आप डिलीवरी नोट वगैरह मेंटेन करते हैं तो आप वो इंटर कर सकते हैं। डिस्पैच डॉक्यूमेंट डालना कंपलसरी होगा, जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप डाल पाएंगे वो डालेंगे। डिस्पैच डॉक्यूमेंट जो है वो वैसे तो इनवॉइस नंबर रहेगा, लेकिन यहाँ पर BL नंबर, LR नंबर, की डेट भी का भी नंबर नीचे आ रहा है, लेकिन आप डाल सकते हैं। डिस्पैच थ्रू, यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टर की डिटेल देनी है, तो ट्रांसपोर्टर का नाम लिखना है, एग्जांपल बंसल ट्रांसपोर्ट लिख कर लेते हैं हम। डेस्टिनेशन लिखनी है, यहाँ पर दिल्ली है। बिल ऑफ लेडिंग LR नंबर वगैरह अगर है तो वो ये डालना कंपलसरी है। GR नंबर जो ट्रांसपोर्टर का रहेगा, और यहाँ पर 1/4 डेट डालेंगे उसकी। मोटर व्हीकल का मैंने बताया था, व्हीकल नंबर आपको बिल्कुल सही डालना है यहाँ पर इस फॉर्मेट में, इसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं देना है। इसके बाद ऑर्डर नंबर वगैरह अगर आप डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। देन पेमेंट मोड कैश, अदर रेफरेंसेस कुछ है तो वो डाल सकते हैं, योर PO और टर्म्स ऑफ डिलीवरी रोड, एंड यहाँ से आप इंटर करते हुए इसको सेव करेंगे। तो जैसे ही आप सेव किया आपने, अब आप सेल की एंट्री डालना स्टार्ट करेंगे। सेल लेजर को सेलेक्ट किया, आइटम को सेलेक्ट किया, क्वांटिटी हमने डाला,
उसका रेट डाला। अब आप देखिए जो इसकी वैल्यू है 50,000 से ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है, जो कि टैक्सेबल वैल्यू है। हमें यहाँ पर इसमें IGST आउटपुट को ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए टोटल वैल्यू जो है वो 61,950 हो गई है। और यहाँ पर एक ऑप्शन नया आ गया है, प्रोवाइड GST ई वे बिल डिटेल्स, ये ऑटोमेटिकली येस हो गया है। अगर वैल्यू कम होगी तो ये नो रहेगा बाई डिफॉल्ट। आप इंटर करेंगे, इसमें येस करेंगे। अब आपको यहाँ से कुछ डिटेल्स जो हैं वो एडिशनल डिटेल्स हैं, इंटर स्टेट टैक्सेबल यहाँ पर आ रहा है देखिए, इसके लिए आपको डालनी है। ठीक है, सबसे पहला है ई वे बिल नंबर डेट, ये तो अभी जनरेट ही नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर नहीं डाल पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मोड जो है वो रोड आ गया है बाई डिफॉल्ट, क्योंकि हमने वहाँ पर डाल दिया था। ये देखिए रेड में यहाँ पर ये एस्ट्रिक इसमें डाला हुआ है, स्टार का जो साइन है, इसका मतलब है किलोमीटर्स हमको लिखना कंपलसरी है, तो हम किलोमीटर्स लिख देंगे। ट्रांसपोर्टर का लेजर अगर नहीं बनाया हुआ है तो आप बना लेंगे, क्योंकि इस केस में जो हम व्हीकल है वो अपना यूज़ कर रहे हैं, हम इसको नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपको नया GL बनाना है तो आप न्यू पे जाके न्यू GL बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में अभी ट्रांसपोर्ट ID है नहीं तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने व्हीकल नंबर लिया है। आप नीचे ऑप्शन भी देख रहे हैं जिसमें *1 लिखा हुआ है, ये मैंडेटरी है। और जिस पे डबल स्टार है, जैसे व्हीकल नंबर है, इफ़ रोड इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आइदर ट्रांसपोर्ट ID, डेट और व्हीकल नंबर इज़ मैंडेटरी, तो ट्रांसपोर्ट ID हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने व्हीकल नंबर को लिया है। दोनों में से हमें एक चीज़ डालना कंपलसरी है, तो हमने यहाँ पर व्हीकल डाल दिया। ये देखिए व्हीकल टाइप रेगुलर रहेगा, ठीक है, LR नंबर, एयरवे बिल नंबर वगैरह डाला हमने, यहाँ पर डेट डाली। अब यहाँ पर बिल्ड फ्रॉम, शिफ्ट फ्रॉम, बिल्ड टू और शिफ्ट टू आ गया है। अगर ये कुछ डिफरेंट है यहाँ पर जो एंट्री की है, उसके लिए भी हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ई वे बिल डिटेल, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप, हमने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि कुछ फील्ड्स जो हैं वो Part 1 की हैं, वो मैंडेटरी हैं आपको डालना, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप ही आ गया है। डॉक्यूमेंट टाइप का सब टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप तो टैक्सेबल टैक्स इनवॉइस आ गया है, तो सब टाइप में यहाँ पर सप्लाई है, डॉक्यूमेंट टाइप टैक्स इनवॉइस। अब अगर हम यहाँ पर कंसाइनी की डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं तो यस करना है, ये ऑटो फिल होगा कि ऑटोमेटिकली ले लेगा। और अगर कंसाइनी पहले जो थी कंसाइनर की थी, अब है कंसाइनी की डिटेल, ये भी ऑटोमेटिकली आ गया है शिप टू पे, बिल टू शिप टू वाला आ गया है। ट्रांसपोर्टर की डिटेल को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, वैसे वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, लेकिन आपको कुछ डिफरेंट है वहाँ पर जो आपने डाला था वहाँ से यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, तो आप इसको येस करके आप इसमें यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे रोड है, डिस्टेंस 60 किलोमीटर, और लेजर हमने कुछ नहीं लिया है, तो यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट ID को नील रहने देंगे। व्हीकल नंबर एंटर किया, व्हीकल टाइप रेगुलर आ गया, ये हम डिटेल ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर प्लेस चेंज होता है आगे जाके, उस केस में यहाँ पर कुछ चेंजेस आप डाल सकते हैं। तो ऐसा तो कुछ अभी सीन है नहीं इस केस में, आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे नेक्स्ट को, और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसको सेव करेंगे। अब हम वाउचर को फाइनली सेव करेंगे, और जैसे ही आप सेव करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट डिटेल्स फॉर ई वे बिल। तो जो JSON फाइल है ये फॉर्मेट बन गया है, और ये आ गया एक्सपोर्ट का जो लोकेशन है, ये इसकी आउटपुट का फाइल नेम होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है फोर्थ, ओपन एक्सपोर्टेड फोल्डर, येस बाय डिफॉल्ट फोल्डर जो है ऑप्शन हो जाएगा। आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे नाम चेंज करना चाहते हैं, तो एस्केप बटन प्रेस कीजिए। आप यहाँ से एक्सेल में भी इसको लेके जा सकते हैं, और जो GST वेब पोर्टल पे भी एक प्रोग्राम अवेलेबल है, टूल अवेलेबल है GST की तरफ से, जिससे कि हम JSON फाइल को जनरेट कर सकते हैं थ्रू द एक्सेल फाइल, तो यहाँ पर वो भी बन जाएगा। उसको हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही आसान है, क्योंकि जब हमारे पास में सॉफ्टवेयर टैली हम यूज़ कर रहे हैं तो हम पहले उसको एक्सेल में डाल के दूसरे सॉफ्टवेयर से अपडेट क्यों करेंगे, हम अपना एक्टिविटी क्यों बढ़ाएंगे, तो हम हमेशा यहीं से ही लेंगे। और ये बिल्कुल वेल मैनर में, जो भी वेल फॉर्मेट में हमें चाहिए वही हमें मिलेगा। अब यहाँ से हम देखेंगे डी ये पाथ है जहाँ पर सेव होगा फाइल, और ये फाइल का नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको एक्सपोर्टेड फोल्डर को यस करते हुए इसको इंटर करेंगे। ये देखिए फाइल जनरेट होके आ गई है, ये बेसिकली नोट पैड में ओपन हो सकती है, बट मैंने एक दूसरा प्रोग्राम डाला हुआ है ब्रैकेट्स, जो कि मैं प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो ये वो फाइल के फॉर्मेट में आ गई है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये नोट पैड में भी ओपन हो सकती है अगर आप करेंगे,
बट ये इस केस में देखिए ब्रैकेट में ओपन हो रही है, और आप यहाँ पर इसकी कोडिंग भी देख सकते हैं फाइल की कि किस तरह से आया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये वैसे तो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप अगर देखना चाहते हैं टेक्निकली कि क्या कोड जनरेट हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। आप इसको क्लोज कर दीजिए, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है ओपन करने की। फाइनली हमने जो जेसन फाइल बन गई है, अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमें इसको पोर्टल पे जाके, ईवे पोर्टल पे जाके इसको अपलोड करना है और ईवे जनरेट करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पोर्टल को ओपन करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास में एक्सेस नहीं है पोर्टल का, तो हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, हम वहीं से ही आपको इसको बताएंगे कि किस तरह से आपको प्रोसेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोर्टल रहेगा, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ईवे की जो वेबसाइट है eway bill.nic.in, यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन पे इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद में जब लॉगिन हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा सभी डाटा, उसके बाद में आपको ये विंडो दिखाई देगी। इसके बाद से आपको लेफ्ट हैंड साइड से ईवे बिल पे क्लिक करना है और जनरेट बल्क इस पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये यह ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप क्लिक करेंगे चूज फाइल पे और उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड एंड जनरेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट करेंगे यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखाई देगी, अगर कोई एरर है जो नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर 123, जितने भी आपके अगर आपने बल्क जेसन फाइल बनाई है तो यहाँ पर बल्क उतने ही जनरेट दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर ईवे बिल नंबर देखिए, यहाँ पर दो बनाए हैं इस पिक्चर में जब बनाए थे, तो ये क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है इसलिए हमने ब्लैक किया हुआ है इसको, और यहाँ पर डेट आ जाएगी। अगर कोई एरर है तो यहाँ पर एरर आएगी, उस एरर को आप चेक करके उसको ठीक करके दोबारा से उसको अपडेट कर लेंगे। एंड ये जब नंबर आपको आ जाएंगे तो फाइनली आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाके इनको वन बाय वन प्रिंट कर लेंगे। अभी बल्क प्रिंटिंग का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से आप ईवे बिल को जनरेट कर पाएंगे थ्रू टेली ERP 9। अब उसमें कुछ जो रिपोर्टिंग का पार्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन होगा इसमें, जब ईवे बिल जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पर हमें ईवे बिल को इंटर करना है। तो लेट अस सी क्या ईवे बिल जनरेट हुआ है। ये ईवे बिल की डेट, ये इंटर करने के बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं हम उसको चेक कर लेते हैं। एस्केप प्रेस करते हुए आप गेटवे ऑफ टैली पे आइए, यहाँ से जाइए आप डिस्प्ले रिपोर्ट्स, सॉरी यहाँ से आप स्टेट ड्यूटी रिपोर्ट्स, GST, ईवे बिल, और यहाँ से आपको देखिए एक्सपोर्ट ईवे बिल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आएगी, इनवॉइसेस एक्सपोर्टेड, तो ये जनरेट हो चुका है, यहाँ से ये डिटेल हम देख सकते हैं। एंड इनवॉइसेस रेडी फॉर एक्सपोर्ट, यहाँ से वो हम डिटेल देख पाएंगे। अपडेट ई वे बिल इन्फॉर्मेशन अगर हम बल्क में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ई वे बिल रिपोर्ट्स के लिए हमारे पास में ये कुछ डिटेल्स हैं, ये कंसोलिडेटेड व्यू है कि क्या मोड था, किस तरह से था, पेंडिंग फॉर अपडेट ई वे बिल, ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, आप वन बाय वन क्लिक करके देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा।